पटना जिला उत्पाद विभाग ने शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जिला उत्पाद आयुक्त प्रेम प्रकाश के नेतृत्व में छापेमारी की गई। टीम ने स्कॉर्पियो कार से शराब की तस्करी को पकड़ा है। दीघा के पाटिल पथ से स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने कार से 39 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही सोनू कुमार और छोटू कुमार को गिरफ्तार भी किया। आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आज भी 3 वाहन जब्त किए गए हैं। तीनों से शराब मिले हैं। 2 से विदेशी शराब है और 1 से देसी शराब है। देसी शराब टोटल 200 लीटर है। विदेशी शराब दोनों वाहनों का अगर जोड़ दिया जाए तो 372 लीटर है। और इसमें 4 गिरफ्तारी है। चारों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से सर ये शराब ला रहे हैं? ये सब यूपी से आ रहा था और हम लोग को सूचना मिली और सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया और उसके बाद छापेमारी कर इसे जब्त किया गया।